इसमें कोई शक नहीं कि स्विमिंग पूल एक मेजर अट्रैक्शन होता है जब भी हम कोई रिसॉर्ट में जाते हैं या फिर वैकेशन प्लान करते हैं, चाहे हम दोस्तों के साथ हो या फिर फैमिली के साथ या फिर कपल्स। स्विमिंग पूल में मजे लेना सभी को पसंद है, लेकिन जब ठंडी की सीजन होती है तो पानी काफी ठंडा हो जाने की वजह से स्विमिंग पूल में घुसना हो जाता है थोड़ा मुश्किल, और आपको सिर्फ फोटोग्राफ्स खींच के या फिर बाहर से ही स्विमिंग पूल का मजा लेना पड़ता है। तो ऐसे में स्विमिंग पूल के असली मजे आपको मिस करने पड़ते हैं। इसीलिए यह वीडियो में मैं लेके आया हूँ 3 बेस्ट रिसॉर्ट जहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल यानी कि हीटेड वाटर वाले स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं। ये तीनों रिसॉर्ट्स मुंबई और पुणे के काफी नजदीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 3 पे आता है बियॉन्ड बाई सुला नासिक के अंदर। नासिक को कौन नहीं जानता, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अपने वाइन टूरिज्म के लिए, और इसमें भी बियॉन्ड बाई सुला काफी पॉपुलर है उसकी इंफिनिटी पूल के लिए। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये जो इंफिनिटी पूल है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड भी है, यानी कि इसका पानी रहता है गुनगुना सा, और ताकि आप विंटर में भी स्विमिंग के मजे आसानी से ले सको। तो नंबर 2 पे आता है फरियास रिसॉर्ट लोनावाला। लोनावाला काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मुंबई और पुणे कर्स के लिए, क्योंकि ये यहाँ से दोनों ही मुंबई और पुणे से काफी नजदीक होने की वजह से काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है एज अ वीकेंड गेटवेज। लोनावाला में फरियास रिसॉर्ट काफी पॉपुलर है उसके एक प्राइवेट मिनी वाटर पार्क के लिए, साथ ही साथ जिप लाइन के लिए। लेकिन क्या आप जानते हो ये रिसॉर्ट के अंदर एक इंडोर स्विमिंग पूल भी है जो है हीटेड यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, जिसका टेम्परेचर पानी का टेम्परेचर हमेशा ही 27 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन रखा जाता है। तो आप विंटर के मजे ये स्विमिंग पूल में भी हमेशा ले सकते हो। और नंबर 1 पे मैं रखता हूँ मेरे फेवरेट ब्राइटलैंड रिसॉर्ट एंड स्पा महाबलेश्वर। महाबलेश्वर काफी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है अपनी स्ट्रॉबेरीज के लिए, मैप्रो गार्डन के लिए और बहुत कुछ। महाबलेश्वर का ये जो 5-स्टार ब्राइटलैंड रिसॉर्ट एंड स्पा जो है, यहाँ का जो ओपन एयर स्विमिंग पूल है काफी सीनिक और ब्यूटीफुल, जहाँ से आप देख सकते हो पहाड़ी के नजारे। लेकिन सबसे स्पेशल बात है कि ये जो स्विमिंग पूल है वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है। जी हाँ, ओपन एयर स्विमिंग पूल होते हुए भी ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, जिसकी वजह से ये पानी का टेम्परेचर हमेशा ही बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है। और यहाँ पे स्विमिंग का लुत्फ आप आसमान के नीचे उठा सकते हो ठंडी में भी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक दे दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।